गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएलचीएम। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं हीरो सीपीएल के मैच के बारे में, जो कि मैच नंबर 15 है। ये 15th मैच है, ठीक है। और ये मैच होने वाला है शाम के 7:30 बजे सेंट लुसिया किंग और एसटी किट एंड नवी पायरेट्स के बीच में। तो यहाँ से बता दें कि लुसिया किंग जो है आपको 4 में से 2 मैच जीती है और नवी पायरेट्स 5 में से 5 मैच जीत चुकी है, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, ठीक है। तो दोनों टीम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि विजन 11 पे एक गिव वे है, जिसको तो इस मैच में विजन 11 पे एक बहुत ही तगड़ा गिव वे आया हुआ है, जिसमें कि आप 2 टीम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, आप 2 टीम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एंट्री फी नहीं है, फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। और अगर आपका टीम फर्स्ट आता है तो 5,000 रुपीज़, टोटल 50,000 का ये गिव वे है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि आपको कोई भी अमाउंट नहीं लग रहा है और 1,000 लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जो भी अभी तक विजन 11 इंस्टॉल नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से कर लीजिए। साथ ही साथ आपको 300 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा। तो यहाँ से बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप शुरू कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। और टीम 2 टीम है, तो दोनों टीम अपने मन से लगाइए, जो आपका दिल करे, क्योंकि GL में फर्स्ट आना आपका दिल से ही होगा, कि आपका लक वगैरह हल्का फुल्का एनालिसिस बस। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप विजन 11 पे बैटिंग फैंटेसी, बॉलिंग फैंटेसी, रिवर्स फैंटेसी सब खेल सकते हैं। इसके बारे में ही बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग फिलहाल मैच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं फिलहाल पॉइंट टेबल में पोजीशन क्या है, ठीक है। नवी पायरेट्स फर्स्ट पे है और सेंट लुसिया किंग आपको 5th पे है। तो यहाँ से नवी पायरेट्स 5 में से 5 जीती है, नवी पायरेट्स 1 मैच और जीतती है तो इसका आपको टॉप 4 में जाना कन्फर्म है। सेंट लुसिया किंग को अभी मैच जीतने पड़ेंगे 4 और लगभग, ठीक है। तो इसलिए सेंट लुसिया किंग के लिए जीतना थोड़ा ज़्यादा टफ है। वैसे एक टीम ही हो सकता है 6 में क्वालिफाई करे, बाकी टीमें मुझे लगता है कि 5 मैच में भी क्वालिफाई करेगी। तो अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहले आपको दिखा देते हैं सेंट लुसिया किंग के पिछले 4 मैच के बारे में, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ डिटेल्स। तो यहाँ से देखिए 4th मैच में रिसेंट से चलते हैं। 4th मैच में आप यहाँ बॉलिंग सेक्शन से जे रॉयल अच्छा किया था, ओबे मोक्वाय और यहाँ से कार्तिक विलियम्स, अलियाड़ी जो सब कुछ खास कर नहीं पा रहा है। और रेस्टन चेस तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैटिंग भी ऊपर आता है और बॉलिंग भी ये कर ही लेता है। और यहाँ से मार्क दयाल भी उस दिन बॉलिंग किया था। बैटिंग के लिए देख लीजिए, यहाँ से डुप्लेसिस कुछ खास चल नहीं पा रहा है, हर मैच में फ्लॉप हो रहा है, कंटिन्यू 4 मैच में फ्लॉप हुआ है डुप्लेसिस। तो आप इसको GL में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। SL में भी डुप्लेसिस को छोड़ना थोड़ा रिस्की लग रहा है, रेस्टन चेस को तो लेना ही लेना है। आप चाहें तो यहाँ से फिर मार्क दयाल या टिम डेविड किसी एक को ले सकते हैं डुप्लेसिस के जगह पे, अगर डुप्लेसिस को ड्रॉप करते हैं तो, ठीक है। बाकी और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 3rd मैच का देख लीजिए, यहाँ से विलियम्स से अच्छा बॉलिंग में परफॉर्मेंस किया था और कुछ खास कोई कर नहीं पाया था। बैटिंग सेक्शन में फिर से देखिए, यहाँ से आपको डुप्लेसिस फ्लॉप ही रहा, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, एंडी फ्लेचर अच्छा चला था, ठीक है। 2nd मैच में देखिए, यहाँ से आप बॉलिंग सेक्शन से कोई भी एक विकेट से ज़्यादा नहीं ले पाया, बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर आपको डुप्लेसिस फिर से फ्लॉप, एंडी फ्लेचर, रॉस्टन चेस, टिम डेविड थोड़ा ठीक ठाक किया था। और 1st मैच में यहाँ से बस ओबे मोक्वाय, रॉस्टन चेस और बैटिंग में आपको टिम डेविड अच्छा किया था बस। तो ये बात हो गई आपको सेंट लुसिया किंग की। अब बात करते हैं हम लोग नवी पैरेट्स की। तो नवी पैरेट्स का यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको 5th मैच में DJ ब्रावो बॉलिंग में अच्छा किया था, वान मेरकरेन आपको 2 विकेट लिया था, उसके अलावा कुछ खास नहीं। इस टीम में क्या है ना, आपको 2-3 बॉलर अच्छे हैं, एक तो आपको डोमिन डेकर्स, डीजे ब्रावो, क्वाट्रेल 1 विकेट 2 विकेट ले जाता है, क्वाट्रेल को अपना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मेनली इसी दोनों पे हम लोग ध्यान देंगे, डीजे ब्रावो और डेकरेन को। फैबियन एलन को ऑलराउंडर में रखेंगे क्योंकि इसका बैटिंग थोड़ा ऊपर आएगा, अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं फैबियन एलन को, ड्रॉप करके आप या तो वान मर्किन या क्वार्टरल किसी एक को ले सकते हैं। ये 5th मैच था। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो क्रिस गेल ये कल ही पहला खेला था, उससे पहले नहीं खेला था क्रिस गेल, ठीक है। तो क्रिस गेल आज खेलता है अगर, तो उस हिसाब से देखेंगे चेंजेस। अभी हम फिलहाल ऐसा मान रहे हैं क्रिस गेल नहीं खेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम बहुत अच्छे पोजिशन पर है, ठीक है। ये 4th मैच की बात करें तो 4th मैच में आप यहाँ देखिए ब्रावो, डेकर्स, पीवान मर्करेन, यही तीनों बॉलर मैंने आपको बताया था और क्वार्टरल बताया हूँ, तो इस तीनों पे ध्यान देना है। और यहाँ से बैटिंग सेक्शन में देख लीजिए, डी थॉमस, एवन लुइस, बोपारा,
रदरफोर्ड, फैबियन एलन। फैबियन एलन देखिए बैटिंग थोड़ा नीचे आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है, कभी 5 कभी 6 कभी 7। थर्ड मैच की बात करें तो यहाँ से फिर से आप देख लीजिए बॉलिंग सेक्शन में वही वान मर्करेन, फैबियन एलन और कोई कुछ किया नहीं। बैटिंग सेक्शन से देख लीजिए तो यहाँ थॉमस, इवन लुइस, रदरफोर्ड, ब्रावो, ठीक है, तो ब्रावो और फैबियन एलन का बैटिंग आता है अगर विकेट गिरता है तो, अदरवाइज फैबियन एलन ऊपर आता है। इस मैच में ब्रावो को बस भेज दिया गया था ऊपर ऐसे ही। सेकंड मैच की बात करें तो यहाँ से फिर से डोमिन डेकर्स, फवाद अहमद इस मैच में 2 विकेट लिया था और डीजे ब्रावो बस 1 ही विकेट। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो डी थॉमस, इवन लुइस, रदरफोर्ड और फैबियन एलन, बस इतने में ही टीम मैच जीत लिया था, चेस कर रही थी तो। और ये फर्स्ट मैच का देखिए तो फर्स्ट मैच में आपको डोमिन डेकर्स, क्वार्टरल, यही 2-2 विकेट लिए थे। और बैटिंग सेक्शन से देखिए यहाँ से लुइस थॉमस फ्लॉप हुए, गेल था फर्स्ट मैच में, उसके बाद वो 3 मैच नहीं था तो गेल भी कुछ खास नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड और ब्रावो अच्छा किया था। तो ये पूरा डिटेल्स दिखा है, इससे यही पता लग रहा है कुछ प्लेयर का कि कौन कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंट है। चलिए अब हम टीम की बात करते हैं। तो ये एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम है, मुझे बेस्ट लग रहा है ये टीम। इसमें आप चेंज क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि चेंज आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। चेंज पहला चेंज कर सकते हैं कि फैबियन एलन को हटा के अगर क्रिस गेल खेलता है तो उसको ले सकते हैं, अगर 4 बैट्समैन के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आप फैबियन एलन को हटा के बॉलिंग सेक्शन से आप ले सकते हैं पीवान मर्करेन को, ठीक है। तो ये एक चेंज हो गया फैबियन एलन को हटाने के बाद। और दूसरा चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, फाफ डुप्लेसिस को ड्रॉप करके या तो आप टिम डेविड या मार्क दयाल के साथ जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से ही रहेगा, टिम डेविड और मार्क दयाल इस दोनों के साथ जा सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में एंडी फ्लेचर और डी थॉमस दोनों ही ओपनिंग आता है और दोनों ही अच्छा है, एग्रेसिव है, तो इन दोनों को शायद ड्रॉप करना स्मॉल लीग में सही नहीं रहेगा। आप जीएल में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं एंडी फ्लेचर को एक दो टीम में, क्योंकि ये अगर अच्छा खेलता है तो लंबा खेलता है, 40-50 रन मार देगा आराम से, और अगर जल्दी फ्लॉप होना होगा तो 10-20 रन के अंदर ही फ्लॉप हो जाएगा। एंडी फ्लेचर की एक ये खास बात है कि उसे आउट होना होगा तो बहुत जल्दी जाएगा, नहीं तो वो 40-50 रन मार के ही जाएगा, ठीक है। तो एंडी फ्लेचर को आप जीएल में एक टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादा टीम में ड्रॉप मत कीजिएगा, और एक दो टीम में डी थॉमस को भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम है, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन लग रही है। फाइनल टीम जो है लाइनअप वगैरह आने के बाद कौन कौन प्लेयर खेल रहा है उसके आधार आपको देंगे। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी की डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो का लिंक इसमें है, डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप डायरेक्ट अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल चैनल पर 33 के सब्सक्राइबर हो चुका है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एस एल चैम्प टीम @SLChampTeam सर्च कीजिएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे स्पोर्ट्स की टीम मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे रात का मैच है, स्क्रीनशॉट कम आया क्योंकि लेट नाइट मैच था, बट ये बहुत ही अच्छा गया था, क्लीन स्वीप था एकदम। फुटबॉल भी ये बहुत अच्छा गया था, बेसबॉल भी अच्छा गया था, आप सारे मैच देख सकते हैं। यहाँ पर जाके आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा सारे के सारे। यहाँ विनिंग रेशियो भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी और चैनल पूरा फ्री है, तो सब लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को भी रखते हैं, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।